किसी से संबंध तोड़ने के 7 उपाय। रोमांस, ये एक खूबसूरत एहसास है ना? हाँ, जब आप पहली बार प्यार में होते हैं तो आपको खुशी और बेचैनी दोनों होती हैं। आपको दुनिया की हर चीज अच्छी दिखती है और आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको कभी गलत नहीं लगता। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा होता है और फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है आप गलत समय पर प्यार में पड़ गए। आज हम आपको जीवन के इस चौराहे पे आने पर निर्णय लेने में मदद करेंगे। जवाब स्पष्ट है कि क्या करना है, लेकिन पहले हमें भी सुन लें। यदि आप उस रास्ते जाने का निर्णय लेते हैं तो आपको मदद की जरूरत होगी, तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि यदि आप एक दोस्त की तलाश में हैं, तो उसे आप अपने बेस्टी में पाएंगे। तो पहले गलत समय पर प्यार में पड़ने के बारे में बात करते हैं। प्यार में पड़ने के लिए कोई जादुई औषधि या इलाज की जरूरत नहीं। जब होना होता है ये तब हो जाता है। शायद यही कारण है कि जीवन क्यों एक अद्भुत रोमांच है। साथ ही कुछ ऐसा भी है जो कभी कभी पूरी तरह से असुविधाजनक बन जाता है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन, द हैप्पी हार्मोन के उच्च स्तर से भर जाता है, जो अंततः सभी प्रकार के अजीब निर्णय लेने का कारण होता है। लेकिन जब गलत समय पर प्यार होता है तो आखिरकार सबसे अच्छी चीज क्या होती है करने के लिए? आप जिस लड़के या लड़की से प्यार करते हैं उनके साथ बात बढ़ाने के लिए सही समय ना होने के कई कारण हो सकते हैं। आप दोनों अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव में हो सकते हैं, अलग अलग शहरों या देशों में हो सकते हैं, या हो सकता है आप ऐसे रिश्ते में हो जिसे आपका परिवार या दोस्त स्वीकार नहीं करना चाहते। कारण चाहे जो भी हो, इसे एक भ्रम कह सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग रुकने को कहता है पर दिल आगे बढ़ने को। इसलिए जो विकल्प आप चुनेंगे वो महत्वपूर्ण होगा और आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात से सहमत होंगे कि जब आपके अंदर उत्सुकता और आंखों में उम्मीद होती है तो परिस्थिति की परवाह किए बिना ऐसा करना साहसी और रोमांचक होता है। उनके लिए ये हमारे अपने निजी सपनों को जीने जैसा होता है। ये लोग सपने देखते हैं और अच्छे होते हैं। दुनिया सपने देखने वालों के साथ बहुत आगे जा सकती है। शायद आप उनके साथ दुनिया की यात्रा करें और वो आपको सभी चीजें सिखाएं जो आप हमेशा से जानना चाहते थे। शायद वो आपके जीवन को समृद्ध कर दें और आपको एक बेहतर इंसान बना दें। और फिर आते हैं रियलिस्ट्स। रियलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी अन्य मनुष्य के लिए अपने भावनात्मक संबंध को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंततः संबंध बस एक सपना है। और कितनी बार ये सपने सच होते हैं? चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, ये लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। ये जानते हुए कि ये सही समय नहीं है, ये उस व्यक्ति को जाने देते हैं जिससे ये प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन जागते ही ऐसा क्या हुआ जिससे आपको आश्चर्य हुआ कि और क्या हो सकता था? अगर हम दिन भर प्यार के ख्यालों में डूबे रहने को नजरअंदाज ना करें तो ये दुनिया की सबसे अद्भुत भावना लगती है, और किसी चीज को पाने के लिए इसे खोना बेहद दुखद होता है। यदि आप इस भयानक दुविधा से जूझ रहे हैं तो निर्णय अंततः आप पर निर्भर होगा। आप जिसे भी चुनते हैं ऐसा करना एक कठिन निर्णय होगा और उस निर्णय के साथ रहना और भी कठिन। जरूरी बात यह है कि हमेशा ऐसा निर्णय लें जिससे आपको खुशी मिले, क्योंकि आखिरकार केवल यही एक चीज दुनिया में आपके लिए मायने रखती है। हालांकि यदि आप उस व्यक्ति के साथ संबंध तोड़ने का फैसला करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे संभालना है। और इसके लिए आप किससे सलाह लेंगे? बेशक अपने बेस्टी से। प्यारे दर्शकों, चिंता ना करें, हम आप सभी को बेहतरीन ब्रेकअप टिप्स देने जा रहे हैं। तो पहला है, यदि आप अपने उस खास के साथ हैं तो कानों में ईयरफोन लगा लें। जब आप एक रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं तो जानिए वो अच्छी चीजें जो आप कर सकते हैं। ब्रेकअप टिप नंबर 1, जैसे ही महसूस हो कि आगे नहीं बढ़ सकता, इसे खत्म करें। ब्रेकअप को टालें नहीं, ये ना सोचें कि चीजें शायद बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर ये ठीक नहीं होती। जैसे ही आप जान जाएं कि एक रिश्ता नहीं चल सकता है तो ब्रेकअप कर लें। यदि आपका साथी गलत है या आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है या फिर किसी और कारण से ही, तो जितनी जल्दी हो सके उनके साथ संबंध तोड़ लें।
ब्रेकअप टिप नंबर 2, एक दूसरे के सामने ब्रेकअप करें। उस प्यार के लिए जो पवित्र है, अपने साथी से मिलकर ब्रेकअप करें। पूरी तरह से ईमानदार होना एक सम्मान की निशानी है। साइकोलॉजी टुडे इस तथ्य की पुष्टि करता है। वो कहते हैं, ये दर्शाने के लिए कि संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण था, शारीरिक रूप से मौजूद होना आवश्यक होता है। हम जानते हैं ये कष्टदायी हो सकता है, लेकिन आपको अपने डर का सामना तो करना पड़ेगा। आप डर सकते हैं और दुखी हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से सोचिएगा कि आपका पार्टनर किन चीजों से गुजर रहा होगा। और इन दिनों ब्रेकअप करने के लिए टेक्स्टिंग करना बहुत आम होता जा रहा है, जो सिर्फ घटिया, आलसी और स्पष्ट तौर पर एक बेकार तरीका है। ब्रेकअप टिप नंबर 3, अकेले में ब्रेकअप करें। यदि आप सोचते हैं कि आपका साथी हिंसक हो सकता है जब आप उनके साथ ब्रेकअप करें, तो इसे सार्वजनिक स्थान पे करें या वहां करें जहां आप सुरक्षित महसूस करते हों। पर एक सार्वजनिक स्थान में संबंध तोड़ने से ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता है। हमारे राइटिंग स्टाफ के पास पब्लिकली देखे गए ऐसे उदाहरण हैं और ये हमेशा बुरे होते हैं। हमारी सलाह है कि आप अपने साथी के घर पर उनके साथ संबंध तोड़ें। इस तरह उन्हें पब्लिक में अपने दुख को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही वो ऐसी जगह पर होंगे जहां वो जीवन के इस दुखद पल में सुरक्षित महसूस करेंगे। ब्रेकअप टिप नंबर 4, आप जो कहने जा रहे हैं उसके लिए खुद को तैयार कर लें। आप जो महसूस कर रहे हैं, अगर उससे घबराए हुए हैं, तो अपने साथी से मिलने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप जानते हो आपको क्या कहना है। आप इसे लिख सकते हैं, आईने के सामने अभ्यास कर सकते हैं, या एक भरोसेमंद दोस्त से मदद ले सकते हैं। आपको क्या कहना चाहिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। ब्रेकअप टिप नंबर 5, प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार करें। जैसे आप खुद को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि आप क्या कहेंगे, वैसे ही आपको तैयार रहने की जरूरत है कि वो क्या कहेंगे। ये आपको आराम देने का शानदार तरीका है, क्योंकि ये आपको इसके लिए थोड़ा तैयार कर देता है। ऐसा करने का अच्छा तरीका ये है कि जो भी वो कह सकते हैं, उन सभी चीजों का अनुमान लगा लें और प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर लें। उदाहरण के लिए, यदि वो आपको एक साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, मुझे दुख है, लेकिन ये निर्णय लेना जरूरी है। और इसी के साथ हम अपने अगले ब्रेकअप टिप पर आते हैं। ब्रेकअप टिप नंबर 6, किस बारे में बात करें। हमारे पास लाखों चीजें थीं जिनसे हम इस सेक्शन को संबोधित करना चाहते थे, जैसे स्पष्ट रहें, अटल रहें, अपने सामाजिक जीवन की बात करें आदि। हमने ये सब आपके खातिर एक सेक्शन में रखने का फैसला किया है। तो बिना कुछ और कहे, चलिए उन सभी चीजों को जानते हैं जो आपको वास्तव में ब्रेकअप के दौरान कहनी चाहिए। स्पष्ट रहें, उन्हें बताएं कि आपने पूरी तरह से अपना मन बना लिया है और वापस मुड़ना संभव नहीं होगा। उन्हें विशेष रूप से बताएं कि आप संबंध क्यों समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए सीधे मुद्दे की बात करें। अटल रहें, उन्हें आपको कन्विंस करके आपका मन बदलने ना दें। सामाजिक सहभागिता के बारे में बात करें। यदि आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो ये पता लगाने की कोशिश करें कि कौन कब किसके साथ होगा। सच्चे रहिए, खासकर अपनी भावनाओं के लिए, यदि आपने उन्हें खो दिया है। ये आपके साथी को चोट पहुंचाएगा, लेकिन अंत में उन्हें ब्रेकअप से उभरने में मदद करेगा। ब्रेकअप टिप नंबर 7, संपर्क काटें और कुछ समय लें। साइकोलॉजिस्ट सहमति देते हैं कि एक ब्रेकअप के बाद आपको और आपके साथी को कुछ समय अलग बिताना चाहिए, भले ही आप दोस्त बनने का फैसला करें। आपके दिमाग को उस व्यक्ति से दूर होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, और यदि आप हर समय उन्हें देखते रहेंगे, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मिलना चाहते हैं, तो तब मिलें जब आपका मन तैयार हो जाए, या फिर आप दोनों एक साथ मिलने के लिए भविष्य में कोई समय निर्धारित कर सकते हैं, और फिर थोड़ा समय लीजिए। रिश्ते के खत्म होने का शोक मनाइए। भले ही आपने ब्रेकअप किया हो, फिर भी आपको दुखी होने का समय चाहिए। दोस्त, परिवार, शौक, अपनी नौकरी, जो भी आपको खुश रखे, उसमें व्यस्त रहें। आप इसके हकदार हैं, लेकिन बहुत कम।
और हमारी ब्रेकअप टिप्स और सलाह की सूची कि आपको क्या करना चाहिए जब आप गलत समय पर प्यार में पड़ जाते हैं, यहाँ पूरी होती है। प्यारे दर्शकों, आपने क्या सीखा? क्या आपने अपने साथी के साथ ब्रेकअप करने का फैसला किया है? और यदि हाँ, तो क्या आप हमारी सलाह का उपयोग करेंगे? यदि नहीं, तो क्या हम कोई अच्छी ब्रेकअप टिप भूल गए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ब्रेकअप के अपने अनुभव बताएं। और याद रखें, हम यहाँ आपके लिए हैं। खासकर यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तब तो हम यहाँ हर दिन आपके लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।